तो आज आपका लास्ट दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार आपको अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है? और आपको? मैं मिक्स ऑफ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर जाना चाहिए, मतलब अभी घर की याद आ रही है क्योंकि मैं बहुत कम से कम 2-3 महीने से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ ना। समय आ चुका है यहाँ से निकलने का मेरठ की तरफ। छोड़ के अच्छा नहीं लग रहा वैसे घर जाने का मन है हाँ। लेकिन रूम बड़ा अच्छा था, रूम छोड़ के अच्छा लग रहा पर घर जाने की एक्साइटमेंट है इसलिए अच्छा लग रहा है। तो दोनों चीज मिक्स हो रही है, मतलब अंदर से ऐसा रहता है कि अब ये ट्रिप खत्म हुई अब घर पहुँचो और दूसरी ट्रिप की एक्साइटमेंट शुरू। ठीक है, और कुछ चीज़ें और सोची हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने सोचा है कि एक चैनल और खोला जाए, और वो किस लिए वो आपको इस वीडियो में पता चलता रहेगा धीरे धीरे। और फिर नीचे कमेंट करके बताना कि ये मेरा डिसीजन सही है। अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते हैं भाई, मैं मेहनत करना चाहता हूँ और ज़्यादा। तो आप जो है बताना फिर कि मैंने सही सोचा या कुछ और हो सकता है इसमें। चलो अभी गाड़ी में पहुँचते हैं, सामान रखते हैं, वीडियो अपलोड करनी है। वहाँ पर नेटवर्क का इशू है, अपलोड स्पीड वगैरह नहीं आती है, रिसेप्शन पर आती है, तो वहाँ मेरा नेट चल जाएगा। आपका नाम क्या है जी? मैं अनिल। अनिल, चलो भाई अनिल जी आज हमको प्लांट के बारे में बताएंगे सारे। हैं ये लहसुन है, तो ये कैसे लहसुन जमीन में उगता है, कैसे उगता है ये? इसके ऊपर आता है ना, ना इसकी जमीन में, जमीन में रहता है, आलू की तरह। प्याज की तरह। ये लाई, ये नींबू का पेड़ है। ठीक है, ये भी नींबू का ही है। हाँ ये भी नींबू का है, ये भी छोटा है। ये तो ये लहसुन ही है सर, ये पूरा लहसुन है। नीचे ये आड़ू का पेड़ है, पीच जो होता है। तो इस पे कब किस टाइम पे लगते हैं आड़ू वगैरह? मई जून में। अच्छा ये सब आड़ू के ही हैं? अच्छा हाँ, संतरे होते हैं क्या यहाँ पे? हाँ होते हैं, कम होता आ रहा है। ये अनार का है वाला, ये अनार का पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? ये एप्पल के हैं छोटे वाले। ये नीचे एप्पल के हैं, ये एप्पल के पेड़ है भाई। सो ये पेड़ है चाइनीज टमाटर का, ये लगे भी हैं यहाँ पे, ये देखो। ये तो टमाटर है लंबा सा, नीचे ग्रेवी है कुछ। चटनी का यूज करते हैं, चटनी में रखते हैं। अच्छा तो आपकी जहाँ पर जाते हो चिया बनते होंगे सब, तो यहीं हो जाती हैं होटल में? अभी तो यहीं होते हैं सर, ये पूरी ये तो लाई है पूरी। अच्छा यहाँ तो अभी कुछ नहीं, गोभी है, फूल गोभी। ये फूल गोभी है, ये फूल गोभी है, ग्रीन हाउस में पूरा फूल गोभी को रखी है। ये अच्छा, ये पत्ता गोभी है, इधर फूल गोभी है, उसमें भी है फूल गोभी। अच्छा मिक्स है, ये फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी। अच्छा बहुत लगो सेम सी लग रही है पत्ते, तो ये बड़ी वाली फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी। फूल गोभी लगी है। अच्छा इसमें लगी है, देखो इसमें लगी है, इसमें लगी है, लगी है। हां इसमें लगी हुई है भाई, मटर भी होता है यहां पे। अच्छा अभी वो बो रखे हैं ना, अभी अभी उगे नहीं है वो, उगे नहीं है। ये किसके यहां? ये भी वो पत्ता गोभी है। अच्छा ये थोड़ी वो होगी जो, अच्छा ये कीवी की बेल, पर अभी कीवी तो दिख नहीं रहा मुझे इसमें, कहीं कहीं दिख रहा है कहीं? मुझे लगा था कीवी का पेड़ होता है, पर कीवी की बेल होती है।
की भी तो इन्होंने तोड़ लिया, अब की भी तो है नहीं। तो इस होटल में यही है ज़्यादातर, फ्रूट्स वगैरह, की भी हो गया, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, कुछ सब्जियाँ जैसे कि गोभी हो गई, मटर हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ें खुद ही यहीं उगा लेते हैं लोग। सो सही है, ग्रीन हाउस वगैरह भी है इनके। क्या गाजर ना, गाजर भी है। अच्छा गाजर भी आप ही करते होंगे सब चीज़ें, तो आप ही ध्यान रखते होंगे इनका। एक दो लड़का और है। सही है, तो ये सब कुछ नेचुरल है, यहाँ पे आके देख सकते हो। बहुत जैसे मुझे नहीं पता था कीवी की बेल होती है, मुझे लगता था कीवी का पेड़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सही है, चलो अभी चलते हैं। तो वैसे जब हम उस साइड से आए थे तो हम रानी खेत से शीतला खेत आए थे, तो अभी हम जाना तो हमें वैसे उसी रास्ते से चाहिए था कि हम रानी खेत पहुँचे हैं, उसके बाद फिर वहाँ से नैनीताल होते हुए उस साइड निकलते हुए अपना मेरठ साइड निकले। पर अभी गूगल मैप के हिसाब से एक रास्ता और था जो गाँव के बीच में होकर जाता, जो कि हमें उधर से जब हम आते थे तो जो लास्ट होटल में जो रुके थे तो उन्होंने मना किया था कि आप उस साइड से मत आना, वो गाँव के अंदर होकर आता है। पर मैंने कहा यार एक बार देखते तो है कि कैसा है, उन्होंने कहा था थोड़ा रास्ता ख़राब भी है। वैसे ख़राब तो कुछ खास है नहीं अभी तक, तो पर छोटे छोटे पैचे थे, पर कहाँ गाँव के अंदर होकर जा रहा है और बहुत नैरो है रास्ता और कुछ अलग है। मैंने कहा कुछ अलग व्यू देख लेते हैं, जाना तो है ही, घर तो पहुँचना ही है, 8 घंटे लगेंगे लगभग वहाँ से भी। तो मैं चलो इधर से चलते हैं। तो ये इस रास्ते पे हम जो आ रहे थे बड़ा ही खतरनाक रास्ता था। अभी जो है साइड में ऊपर हमारे हाईवे है, बस हम हाईवे पे चढ़ने वाले हैं यहाँ से। और जब हम नीचे से आ रहे थे ना, मतलब कि चंद्रताल की याद दिला दी इसने। एक छोटा सा पैच है 300-400 मीटर का होगा, पर मिट्टी प्लस चढ़ाई, और मिट्टी ये नहीं कि पूरा रेत उसमें, अगर तुम मोमेंटम बना के नहीं लाओगे तो चढ़ नहीं सकती गाड़ी, वहीं स्लिप करती रहेगी। तो मैं अब पहले से ही उसको दूसरे गियर में ला रहा था और एक अच्छी स्पीड में ला रहा था, कम से कम 30-40 की स्पीड में। सो मोमेंटम के साथ चढ़ाते हुए लाएँ, और आई थिंक लगता है बस ये हाईवे, ये ऊपर ये दिख रहा है हमारे ऊपर एक रोड है, तो अभी बस यहाँ से हम चढ़ जाएंगे। पर कुछ भी को मज़ा आया इस रोड पर चलाने में, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। और एक बार मतलब ट्राई करना चाहिए जब तुम पर टाइम हो, और जब तुम घर जा रहे हो, या फिर मतलब हाँ ठीक है रास्ते एक्सप्लोर करने हैं कुछ अलग से, तो आना चाहिए। पूरा रास्ता बाकी सही था, नैरो था, पर यहाँ इस वाले पैच में मज़ा आया, मिट्टी थी। चलो चलते हैं। अभी हम नैनीताल पहुंच गए हैं, और जिस रास्ते से हम आए थे उसी से जा रहे हैं मुरादाबाद होते हुए। और मेरी नैनीताल से मुरादाबाद जाएंगे। हाँ भाई, मेरी तो हालत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि इसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, 3 दिन से मैंने अपनी एसिडिटी की दवाई ही ली है, तो इसको फिर वो एसिड बन रहा है पेट में। हाँ अजीब सा हो गया है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अभी मेडिकल तीनों ले लेंगे अभी आगे से। वैसे दवाई अब ले भी लें तो ले नहीं सकती क्योंकि खाली पेट ही ले सकती। नहीं अभी इनो काम कर जाएगी मेरे लिए, तो अभी इनो लेके फिर दवाई ले लेंगे, इसे कल से फिर दोबारा कंटिन्यू कर पाएंगे।
सो गाइस 2580 का हमने जो है डीएल डलवा लिया है और यहीं पेट्रोलम पे अपना टॉयलेट ब्रेक हो गया सबका। ठीक है, ये ऐसी ऐसी हर बार ऐसी ऐसी ऐसे ही डलवा लेते हैं, मतलब सही रहता है। मतलब डिजिट आ गई करो उसको कभी। अब हमारी गाड़ी का नंबर 80 है ना, तो मैंने कहा चलो 80 फिर आज मैं 80 जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो जिसको ढूंढा गली गली वो निकला अपनी गली। इनो मिल गई। इनो गाड़ियाँ पहले से रखी थी क्योंकि गाड़ी में एक दो इनो वगैरह पड़ी रहती थी पहले। हाँ ये मैंने रखी थी पर मुझे लगा शायद मैंने पी ली है और हर जगह ढूंढती फिर रही है और गाड़ी में चेक नहीं किया। वाह भाई वाह, चलो फालतू में 2 घंटे से परेशान हूँ। हमें भी कुछ मिला, चुलबुले दिल है, चुलबुले दिल, डिटॉल भी है हमारे पास, बहुत कुछ रखा रहता गाड़ी में। हमारे पास शैम्पू भी है, मतलब वो वाला शैम्पू तो आज है नहीं पर ये वाला शैम्पू है। नशेड़ी नशे कर रही है बोतल में, कुछ मिला मिलोगे नशे हो गए चले मैडम। ट्रिप आ गई, गाड़ी में चलाऊंगा, हटो यहां से, मुझे तो गाड़ी चलाने के लिए। चलो चलते हो, कैसा लगा? मैंने थोड़ी इनो पिया, मैंने तो पानी पिया। मुझे कैसा लगेगा जैसे लगे। तो ये था नीचे खुरपाताल लेक व्यू। सो ये भी अच्छा है, ये रास्ते हैं बड़ा नैनीताल के बाद ही। तो अभी चलो आगे चलते हैं। अपलोडिंग वीडियो अपलोड करने के लिए रुके थे पर यहाँ पे अपलोड तो ही नहीं, पर ये अपलोडिंग पर लगा दी, अब रास्ते में होती रहेगी, अब पता नहीं कितनी देर में होगी। चलो फिर चलते हैं। सो गाइस अभी हम मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और अभी बस ये है कि अभी मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं बनाने वाला क्योंकि ऐसे घर से फ़ोन आया मम्मी का और मेरे जो मामा है वो उनकी डेथ वगैरह हो गई, तो मैं मतलब वीडियो उसके बाद बना मन नहीं कर रहा उसके बाद। चलो मिलेंगे किसी वीडियो में, बाय।